एवरीवन अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते जी, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मैं भी बिल्कुल ही ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। सो दोस्तों, आज हम वीडियो वॉच करने जा रहे हैं। ये वीडियो है पीएम विंस मुस्लिम हार्ट, राशिद अहमद कादरी सरप्राइज ऑन पद्मश्री अवार्ड। सो गाइस, जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि मुस्लिम जो है उनको पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया है। और इंडिया में जबकि ये कहा जाता है कि इंडिया में मुस्लिम्स आर नॉट सेफ एंड दे आर नॉट हैप्पी, एंड वहीं पर ये चीजें देखने को मिल रही हैं कि पद्मश्री, इतना बड़ा अवार्ड जो कि एक मुस्लिम को दिया गया है, सो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसमें कितनी रियलिटी, वो आज के इस वीडियो में वॉच करेंगे। चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस करो ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। सो यस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड हियर वी गो। पीएम मोदी ने फिर जीता मुस्लिमों का दिल। उसके बाद में खामी बन गया कि बीजेपी गवर्नमेंट कहीं भी हमको नहीं दे रहा, मगर आप मेरा ख्याल गलत साबित करते हैं, कुछ नहीं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ दोस्तों, बहुत से यूट्यूबर हैं जो अपने चैनल पर बीजेपी को खूब गालियां देते हैं और ना जाने कैसी कैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कैसा कैसा प्रोपोगेंडा चलाते हैं भारत के प्रधानमंत्री का मुस्लिमों के खिलाफ। और बहुत से मुस्लिम लोग हैं जो पीएम मोदी के बहुत खिलाफ भी बोलते हैं, उनसे हेट भी करते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें वो यूट्यूबर अपने चैनल पर नहीं दिखा सकेंगे क्योंकि ये तस्वीरें हिंदू और मुस्लिमों की एकता को दिखाती हैं। दोस्तों, भारत के प्रधानमंत्री आज देश को लीड कर रहे हैं और भारत के अंदर डेमोक्रेसी है और हर धर्म को अपने एक कल्चर को परफॉर्म करने की पूरी आज़ादी है, और उसी के चलते अब मुस्लिम आए हैं और वो खुद शॉक्ड रह गए हैं कि बीजेपी सरकार ने उन्हें चुना है इस ओहदे के लिए। दरअसल आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं, ये एक आर्टिस्ट हैं। आर्टिस्ट हैं, किसके आर्टिस्ट हैं दोस्तों? एक कला है बिद्री वेयर। दोस्तों ये बिद्री फोर्ट है एक कर्नाटका के अंदर, और यहाँ की मिट्टी, जिंक और सिल्वर से एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाता है जो आपके सामने चल रहा है, जो बहुत ही सुंदर है। दोस्तों इसका जो कलर है ब्लैक होता है और इसके ऊपर सिल्वर की जो एक शाइनिंग आप देख रहे हो, ये इस क्राफ्ट को बहुत खूबसूरत बना देती है। और ये बनाने की जो कला है, इसकी स्टोरी भी बहुत इंटरेस्टिंग है। दोस्तों ईरान से एक कारीगर लाए गए थे और उन कारीगरों ने ये सब चीजें बनानी शुरू की, और फिर भारत और ईरान की ये कला मिक्स हुई और उसके बाद ये बिद्री वेयर नाम के जो क्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट, वो पूरे भारत के अंदर फेमस हुए। और ये जो एक डायनेस्टी थी ब्राह्मणी सल्तनत, उसके अंडर में ये सारी कला का प्रचार प्रसार हुआ, और एक बिद्री फोर्ट की जो एक मिट्टी है वो भी इस क्राफ्ट को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। और ये क्राफ्ट बनाने के अंदर दोस्तों, छोटे से छोटा एक क्राफ्ट अगर बनाना है तो 2 दिन का समय लग जाता है, और कई क्राफ्ट को बनाने में तो महीने का भी समय लग जाता है। सारी चीजें हाथ से होती हैं और इनके जो वर्कर हैं पूरी मेहनत और जी जान लगाकर इसका काम करते हैं, और इनकी कला की जो एक पहचान है दुनिया के अंदर होनी चाहिए। यही कारण है कि भारत ने इनकी कला को पहचान देते हुए इनके आर्टिस्टों को सम्मानित करना शुरू किया है। अब दोस्तों इन्होंने जो बातें बोली आपको खुद सुना देते हैं कि इन्होंने क्या बोला भारत के प्रधानमंत्री को, और इनकी जो स्टेटमेंट है आपको जरूर सुननी चाहिए। ये अवार्ड के लिए मैं 10 साल से कोशिश किया, हर साल मेरे को 12,000 का खर्चा आता था। प्रोफाइल जो है मेरा इतना मोटा प्रोफाइल है, कलर फोटोज है, इसके अंदर 50 कलर फोटोज है, उसके लिए बहुत खर्चा आता था। 5 साल तक किया, उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट आ गई, तो मैं ये सोच के छोड़ दिया कि ये बीजेपी गवर्नमेंट मुसलमानों को कुछ नहीं देती, मगर मोदी जी मेरे ख्याल को साबित करते हुए मुझे चुना।
और मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, अमित जी का, मोदी जी का, और ये अवार्ड में जिन जिन का भी रोल है उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। फ्रेंड्स, यहीं पे वीडियो एंड होता है। क्या खूबसूरत वीडियो था, और इसमें आपने भी देखा, मैंने भी देखा, किस तरह से जो है वो भारत में जो है वो हर किसी को नवाजा जाता है, उनके काम की ऊपर अप्रिशिएट किया जाता है। डजंट मैटर इधर दे आर मुस्लिम, हिंदू और क्रिश्चियन और सिख, जो भी हैं, लेकिन सबको उनके काम से, उनके टैलेंट से उनको पहचाना जाता है, ना कि उनके धर्म से। और सबसे बड़ी बात, वहाँ पर मैंने एक चीज देखी है कि देखो, ये एक मुंह बोलता जवाब है कि न्यूज़ में हमेशा कहते हैं कि, मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपको ये बात कही थी कि बीजेपी गवर्नमेंट, स्पेशली नरेंद्र मोदी जी के अगेंस्ट ये प्रोपेगेंडा चलाया जाता है, स्पेशली उनके ऑपोजिट पार्टी जो है वो काफ़ी इस चीज़ पर है कि मुस्लिम्स पर भाई बहुत जुल्म हो रहा है, हिंदू जो है उनको सपोर्ट किया जाता है, और मुस्लिम्स को नरेंद्र मोदी जी बड़ा ही हेट करते हैं, उनके अगेंस्ट चलते हैं। मतलब इस तरह की चीज़ें हमें बहुत देखने को मिलती हैं अपने सोशल मीडिया पर, जो कि मैं समझती हूँ कि सरासर झूठ है। और अगर देखो, वीडियोस में देखने से आइडिया होता है कि लोगों की लाइफ में एक्चुअली हो क्या रहा है और रियलिटी क्या है। बाकी ओवरऑल चीज़ें बड़ी अच्छी लगी कि पद्मश्री अवार्ड जो है उनको दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि काम मेहनत करते हैं और इतना बारीकी से काम उनका होता है, तो उस पर सपोर्ट तो करना चाहिए। देखो, हर किसी को आप सपोर्ट करोगे, अप्रिशिएट करोगे, तो वो आगे जाके और अच्छा काम करेगा। इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को अवार्ड्स मिले हैं, लास्ट ईयर भी मिले थे, मुझे लगता है कि हर साल अवार्ड्स दिए जाते हैं, लेकिन ये है कि उनको दिया जाता है जो इसके हकदार है। ये नहीं है कोई बड़े बड़े अमीर ज़ादों को। हमारे यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अवार्ड्स ज्यादातर उनको दिए जाते हैं जो पैसे वाले होते हैं या वेल नोन पर्सनैलिटी होती है, अदरवाइज आम इंसान को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन ये रियलिटी है। लेकिन वहीं पर ही देखें तो मैंने ये देखा है कि नरेंद्र मोदी जी हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं जो इसके लायक होते हैं, या फिर उनको सपोर्ट करना बनता है तो वो उनको सपोर्ट भी करते हैं, उनको अप्रिशिएट भी करते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। सो आप इसके ऊपर क्या कहेंगे, आपकी राय जानना चाहूंगी, तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपनी राय जरूर देनी है। बाकी फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा, और देखें बस उन्होंने कितना प्यारे प्यारे अल्फाज बोले मोदी जी के लिए, तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और सबसे बड़ी बात, नरेंद्र मोदी जी उनको जैसे एक शोल्डर पे हाथ रख रहे हैं और एक फेस पर स्माइल है, वो नेचुरल स्माइल है, कोई फेक स्माइल नहीं है, तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है। और यही चीजें होती हैं जो मुझे मोदी जी की फैन बनाती हैं। सो बहुत अच्छा लगा। आप क्या कहेंगे कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।